श्री परशुराम कला समिति की ओर से 19 मई को शिवाजी पार्क रामलीला मैदान में श्री परशुराम लीला का मंचन किया जाएगा। परशुराम लीला नाटक का निर्देशन रामोतार पंडित करेंगे। नाटक की विषय सामग्री महाभारत, वाल्मीकि रामायण, श्री रामचरितमानस, गर्ग संहिता से ली गई है। नाटक में पारसी व आधुनिक शैली के साथ ध्वनि व प्रकाश का विशेष प्रभाव रहेगा। सतयुग, त्रेता और द्वापर युग के भगवान परशुराम की लीलाओं का मंचन किया जाएगा, जिसमें 3 माह के बालक परशुराम की भूमिका निभाएगा। कार्यक्रम के दौरान अनुरीता झा के निर्देशन में कथक नृत्य की प्रस्तुति होगी, जिसका आज भव्यता पूर्वक पूर्वाभ्यास भी किया गया। प्रतिदिन लगभग 70 कलाकारों द्वारा दिल्ली दरवाजा स्थित परशुराम भवन में लीला का पूर्वाभ्यास किया जा रहा है। शिवाजी पार्क में 19 तारीख भगवान परशुराम का नाटक किया जा रहा है, जिसके निर्माता निर्देशक दरवाजा परशुराम मंदिर में है, जिसमें 70 कलाकार भाग लेंगे। 7 साल से लेकर 70 साल तक का बच्चा सबके अपने सबके योग से सबके साथ से बड़ा अच्छा कार्यक्रम, बहुत शानदार कार्यक्रम। हम भगवान से ही प्रार्थना करते हैं प्रोग्राम कामयाब जाए, हमारे दुआ है। श्री परशुराम कला मंदिर समिति द्वारा 19 मई को शिवाजी पार्क में भगवान परशुराम की निर्माण लीलाओं पर आधारित नाटक परशुराम लीला का मंचन शिवाजी पार्क के मैदान में 19 मई को 7 बजे किया जाएगा। यह 10वां अवसर है जब परशुराम कला मंदिर द्वारा नाटक किया जा रहा है। बड़े उत्साह के साथ करीब 70 लोग इस नाटक में उमंग के साथ तैयारी कर रहे हैं। इसमें 3 माह का बच्चा है जो नन्हे परशुराम की भूमिका करेगा और 70 वर्षीय कलाकार सेनापति की भूमिका करेगा। इस नाटक की जो मुख्य भूमिका है वो सतयुग से प्रारंभ होती हुई त्रेता होती हुई द्वापर यानी महाभारत काल तक चलेगी। हम इसके माध्यम से नई पीढ़ी को बताना चाहते हैं भगवान परशुराम का कोई हिंसक रूप नहीं है, वो करुणावतार भी हैं और प्रजातंत्र के पोषक हैं, प्रवर्तक हैं। भगवान परशुराम करुणामय अवतार है, यह संदेश देना चाहते हैं। विशेष बात यह है सारे समाज का इसमें योगदान है। हमारे इस नाटक के संयोजक सत्यनारायण शर्मा निवासी शिवाजी पार्क हैं। हम ये मानते हैं भगवान परशुराम किसी जाति विशेष के नहीं है, बल्कि भगवान परशुराम सारे समाज के हैं। धन्यवाद।